ये आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एकदम शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न एंड एक इंडिकेटर के बेस पर प्रॉफिट बनाया जाएगा, ठीक है, बिल्कुल डेफिनेटली। और वो इंडिकेटर जाने पहचाना है, ठीक है, आप लोगों ने काफी यूज भी किया होगा सारी चीजें, बट मैं उसको थोड़ा मॉडिफाई करके आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, जिससे आप उससे ना थोड़ा कंटिन्यू प्रॉफिट अप कर पाएंगे। ठीक है, देखो प्रॉफिट करना कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर कुछ लोग आते हैं, बहुत सारे भाषण देते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो देखो प्रॉफिट करना कोई बड़ी बात नहीं है मार्केट के अंदर में, बस थोड़ा नॉलेज के बेस पर प्रॉफिट बनाया जाता है। अगर आप बिगिनर हैं ट्रेडिंग के अंदर में, अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती है, तो मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे पैटर्न्स के ऊपर आप ट्रेडिंग कर डेली का 10% से लेकर 20% का कैपिटल का डेली आप गेन करोगे, 100% आप प्रॉफिट बनाते ही जाओगे, ये एकदम मैं श्योर हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे अपनी नॉलेज पर एकदम भरोसा है कि आप लोगों को जो चीज मैं सिखा रहा हूँ आप लोग उसको यूज करके बहुत अच्छा प्रॉफिट कंटिन्यू करते जा रहे हो, ठीक है। तो बिल्कुल भी मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और सीधा मैं टॉपिक पर चलता हूँ, तो थोड़ा बड़े ध्यान से समझना कि कहाँ यूज करना है, कहाँ पर नहीं करना है, कैसे क्या चीजें करनी होती है, वो सारी चीज मैं आप लोगों को आज बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो फर्स्ट आपको सिंपल क्या करना है, आपको जो चार्ट टाइम ओपन करना है ना, देखो आपको पता है आप फोन में ट्रेडिंग कर रहे हैं या आप पीसी में लैपटॉप वगैरह आप कुछ भी आप यूज कर रहे हो, ठीक है ना, तो आपको पता होगा कि 1 मिनट का टाइम होता है चार्ट का, ठीक है, 2 मिनट का होता है, 3 मिनट का होता है, 5 मिनट का होता है, तो इसी की तरह एक दिन का भी चार्ट होता है, ठीक है ना। तो आपको काम क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का टाइम, 5 मिनट वाला जो चार्ट है आपको उसको ओपन करना है। जैसे कि यस मैंने ओपन कर रखा है, यहाँ पर देखो मेरे माउस के सर्कल पे ध्यान दो और मेरी बातों पे ध्यान देना, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है मेरे दोस्त, ठीक है। एंड एक और चीज कहूंगा, अगर आप बिल्कुल नए हो मेरे चैनल पर, तो मेरे दोस्त मेरे भाई सब्सक्राइब कर लो यार चैनल को, क्योंकि आपको चीजें अपडेट मिलती रहती हैं, काम की चीजें मिलेंगी, फालतू की चीजें आपको कुछ भी नहीं मिलेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना 100%, ठीक है। एंड कैंडल का टाइम ओपन करना है, तो ये 5 मिनट वाला ये कैंडल चल रहा है जैसे कि आपको अब दिख रहा है, ठीक है। कैसे ट्रेड करनी है, कैसे क्या करना है, हर चीज मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल अच्छी तरीके से, जिससे आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब आपको करना क्या, देखो 5 मिनट का टाइम आपने ओपन कर लिया कैंडल का, ठीक है, तो आपको एक इंडिकेटर यूज करना है जिसका नाम है केतना चैनल। यस बिल्कुल राइट, सालों से आप यूज कर रहे हैं उसको, लेकिन आज कैसे इसको यूज किया जाएगा 5 मिनट के अंदर में, 5 मिनट के कैंडल पे, तो थोड़ा सा मैं उसको बता रहा हूँ डिटेल में, थोड़ा सा आपको समझना है, ठीक है। तो सिंपल सा जो चीज मैं आपसे बोल रहा हूँ, एक सेकेंड हो जरा आप, ओके, तो बिल्कुल मैं चलता हूँ, अब आपको बताता हूँ डिटेल में, थोड़ा सा समझना, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, केतन चैनल यूज करना है, क्या करना है, केतन चैनल, यस। तो ये हमारा आगे केतन चैनल बिल्कुल यूज हो चुका है, इसमें आपको टाइम वगैरह कुछ भी सेटिंग नहीं करनी है, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है आपको, और सिंपल जैसा है वैसा ही आपको लगा देना है। मैं सच्ची बता रहा हूँ, इतना जबरदस्त काम कर रहा है, इतना अच्छा प्रॉफिट दे रहा है मेरे गाइस, मेरे प्रिय लोग, आपको मैं बता रहा हूँ सच में बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, और समझ लो, ठीक है। अब इसका यूज कैसे करना है, तो हम चलते हैं इसका यूज करने के तरीके पे, ठीक है। तो आप लोगों को करना क्या है, जैसे कि केतन चैनल में आपको 3 लाइन दिखती हैं, सबसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। यहां पर आपका काम है लाइन का, वो बीच वाली लाइन का काम है और ऊपर वाली का काम है, ठीक है, मतलब फर्स्ट और सेकंड वाली का यहाँ पर सिर्फ काम है, थर्ड वाले का काम नहीं है। यहाँ पर जो चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं उसमें आपको यूज करना है फर्स्ट और सेकंड, इसके अलावा आपको कुछ और भी काम नहीं करना है। तो सबसे फर्स्ट हम चलते हैं बीच वाली लाइन से, हम शुरुआत करेंगे बीच वाली लाइन से, और फिर हम ऊपर वाली लाइन से क्या बताऊंगा कि आपको 5 मिनट की ट्रेड कैसे ली जाएगी। और हाँ, टाइम 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 5:36 हो रही है, तो आगे बढ़ा सकते हैं, देखो यहां ध्यान दो, मेरे माउस के सर पे ध्यान दो, 36 हो रही है ना, तो 37, 38, 39, 40, ठीक है। इस तरीके से आप 5 मिनट का टाइम सेट करके 5 मिनट की ट्रेड प्लेस करेंगे, और पता बहुत गजब का प्रॉफिट आएगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे गजब का प्रॉफिट आएगा, तुम समझना, तुमको भी नहीं आता है ना तो आप समझ लेना, ठीक है, बताऊंगा कैसे आप यहाँ पर कैसे प्रॉफिट करोगे कंटिन्यू। अब देखो जब भी कोई भी कैंडल बीच वाली लाइन को टच करता है, बीच वाली लाइन को ब्रेक करता है, ठीक है, अगर कोई भी कैंडल बीच वाली लाइन को ब्रेक करता है, तो आपको अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है, ठीक है। जैसे कि अपोजिट डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन रहेगा मेरे दोस्त मेरे भाई, कभी भी कोई भी कैंडल
बीच वाली लाइन को, मतलब ये देखो यहाँ पे, देखो मेरे माउस के सर्कल पे ध्यान दो। अगर कोई भी कैंडल, देखो ये ना एक ग्रीन कैंडल, अगर इस ग्रीन कैंडल ने इस बीच वाले लाइन को ब्रेक कर दिया यहाँ पर, देखो यस ब्रेक करा है, तो आपको अपोजिट डायरेक्शन में लेने का मतलब है कि पुट डायरेक्शन में एक रेड कैंडल पे आपको यहाँ पर ट्रेड प्लेस करनी है और आपकी ट्रेड हो जाएगी शॉर्ट शॉर्ट। मैंने जितना देखा है यहाँ पर कि यहाँ पर आपको ना शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड मिलेगी या एमटीजी मिलेगी, शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड मिलेगी या आपको एमटीजी ट्रेड मिलेगी, लॉस का चांस नहीं है यहाँ पर। क्योंकि देखो आप लोगों के लाइव बताऊंगा कि कहाँ पर यूज करना है इसको और कहाँ आपको गलती नहीं करनी है, क्योंकि 5 मिनट में और भी पैटर्न्स बनते हैं मार्केट के अंदर में, जो मार्केट उनको भी फॉलो करके कंटिन्यू चलती है। लेकिन आप एक चीज के भरोसे पे बैठ के ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन आपको 4 से 5 पैटर्न्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए मेरे दोस्त, क्योंकि आप तभी कंटिन्यू प्रॉफिट कर पाएंगे। कोई भी कैंडल ब्रेक करता है तो आपको अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है। जैसे कि यहाँ पर ग्रीन ने इसने ब्रेक कराया तो उसके बाद में एक रेड कैंडल पे आपको यहाँ पर चुपचाप ट्रेड लगा देनी है। और जब भी 5 मिनट का टाइम आप सेट कर रहे हैं तो भाई साहब एक अच्छी एंट्री आपको मिलेगी, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, जहां पर आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोग थोड़ा ध्यान से समझ लो जैसी चीज मैं बोल रहा हूँ। अब देखो नेक्स्ट जो चीज मैं बोलता हूँ, बीच वाली लाइन का भी थोड़ा मैं आपको फंडा बताऊंगा, क्योंकि आप कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीजें कंफ्यूज करोगे। ठीक है ना, अब जैसे कि मैं बात करता हूँ, देखो इस ग्रीन कैंडल ने भी यहाँ पर ब्रेक करा है बीच वाली लाइन को, यस इस ग्रीन कैंडल ने भी ब्रेक करा है बीच वाली लाइन को, तो आपको यहाँ पर पुट डायरेक्शन में ट्रेड देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अपोजिट डायरेक्शन मतलब पुट डायरेक्शन में आपको ट्रेड देखने को मिल रही है। नेक्स्ट इसके पीछे भी हम चलते हैं थोड़ा। अब आप देखो एक यहाँ पे देखो एक रेड कैंडल बीच वाली लाइन को ब्रेक कर रहा है, यस ब्रेक कर रहा है। जब रेड कैंडल ने बीच वाली लाइन को ब्रेक करा है नीचे की तरफ, तो आपको यहाँ पर रेड कैंडल जो बना है यहाँ पर आप कॉल डायरेक्शन में ट्रेड लोगे, लेकिन आपकी लॉस हो जाएगी। ठीक है, लेकिन मैं आपको फिर मैं बोल रहा हूँ कि आपको 5 मिनट की ट्रेड, आपको मार्टिकल भी यूज करना है, एमटीजी भी यूज करना है यहाँ पर। आप यहाँ पर फिर डबल अमाउंट एमटीजी यहाँ पर यूज कर रहे हैं और आपकी शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड हो जाती है। बहुत सारे लोग मार्टिकल एमटीजी नहीं जानते, तो मेरे दोस्त मेरे भाई मैं आपको फिर भी समझा देता हूँ, क्योंकि कुछ बिगनर लोग होते हैं जो कमेंट में भी पूछते हैं सर मार्टिकल क्या होता है। देखो सुनो, मैं जो चीज बोल रहा हूँ कि ये रेड कैंडल ने ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद में आपने यहाँ पर $5 की ट्रेड लगाई कॉल डायरेक्शन में, आपकी वो लॉस हो जाती है। तो मेरे दोस्त आपको करना क्या है कि आपको $10 की डबल अमाउंट की इसी यहाँ पर आपको कॉल डायरेक्शन में ही लगा देंगे, सेम डायरेक्शन। यहाँ पर आपने पहले कॉल डायरेक्शन में ट्रेड लगाई थी ना, अप डायरेक्शन में, आपको यहाँ भी अप डायरेक्शन में ही ट्रेड लगा देनी है डबल अमाउंट की। उसी को बोलते हैं मार्टिकल और उसी को शॉर्ट में बोलते हैं एमटीजी। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ रही है कि यहाँ पर मार्टिकल का बहुत बड़ा रोल है। अगर लॉस भी होती है तो आपकी मार्टिकल विन हो जाती है, लॉस नहीं होगी ट्रेड। क्योंकि देखो ट्रेडिंग करोगे, पेशेंस से करोगे ट्रेडिंग, तो तभी आप अच्छे तरीके से कंटिन्यू प्रॉफिट बनाओगे। जल्दबाजी करोगे तो ट्रेडिंग नहीं होती, वो गेमलिंग होती है भाई मेरे दोस्त, आप लॉस कर लोगे। देन इसके थोड़ा सा हम पीछे फिर भी चलता हूँ, तो देखो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा समझाऊंगा कैसे क्या चीज है और कहाँ आपको सिर्फ एक ही शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड लेनी है। ये नहीं है कि कैंडल यू नाच रहा है फिर नीचे आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है ऊपर जा, मतलब आप इस थोड़े से बीच के अंदर में कि आप ट्रेडिंग मतलब थोड़े से बीच के अंदर में आप कंटिन्यू, बस ये कि अब डायरेक्शन हो रही है भाई ले लो ट्रेड लेते रहो भाई। ऐसा नहीं है कि आपको बस 3 से 4 4 5 कैंडल के अंदर में आप देखो कि मुझे बस एक शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड चाहिए बस। ठीक है, क्योंकि तो मार्केट है भाई, और भी पैटर्न्स बनेंगे और भी चीजें यहाँ पर, उनको भी मार्केट फॉलो करती है। ठीक है, कोई एक चीज के लिए भरोसे नहीं बैठी है मार्केट, बस इसी को फॉलो करके चलेगी। ठीक है, तो मैं चीज समझाता हूँ आपको। अब देखो इस ग्रीन कैंडल ने अभी ब्रेक करा, यस ब्रेक करने के बाद में उसके बाद में एक कौन सा कैंडल आया, ग्रीन आया। यस भाई यहाँ पर ग्रीन ही आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक पैटर्न्स बना है, वो पैटर्न्स मैं आपको अभी क्या बताऊं, क्योंकि वो पैटर्न मेरी मेंटरशिप क्लास वालों को पता होगा, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं मेंटरशिप क्लास वाले, तो आपको समझ में आया होगा कि ग्रीन के बाद में दो बैक टू बैक का जादू क्या होता है। तो इसलिए ये ग्रीन कैंडल आना ही चाहिए था। उसके बाद में यस आपने यहाँ पर जब ये ग्रीन कैंडल ने ब्रेक करा है, तो आप यहाँ पर 5 मिनट की ट्रेड पुट डायरेक्शन में आप लेते तो आपकी लॉस होती और आपकी मार्टिकल यहाँ पर विन हो जाती है। ठीक है, तो और भी पैटर्न्स बनती है मार्केट, उनको भी फॉलो करके चलती है थोड़ा, इसलिए आपको थोड़ा विशेष ध्यान रखना होगा इन सब चीजों का, तभी आप कंटिन्यू प्रॉफिट कर पाएंगे। ठीक है, तो फिर चलते हैं। एक चीज समझ में आ रही है, मार्टिकल का भी रोल समझ में आ रहा है, और भी पैटर्न्स हैं, उन पैटर्न्स के बारे में डिटेल में नॉलेज लो, तभी आप कंटिन्यू प्रॉफिट करोगे। और यहाँ पर मजे की बात यह है कि 5 मिनट में आपको एक अच्छी एंट्री मिल रही है, क्योंकि 5 मिनट का अगर आपका ट्रेड है ना, 5 मिनट आपने टाइम सेट कर लिया और आपके पास में लास्ट की सिर्फ 1 मिनट बची है, तब भी आप यहाँ कैंडल यहाँ पर देखो, ये देखो
कितना ऊपर गया, जब ये ग्रीन कैंडल यहाँ आ गया होगा, और सोचो यहाँ पर 2 मिनट बची होंगी, तो 2 मिनट में आप यहाँ पर 2 मिनट ऊपर ट्रेड प्लेस करते, तब भी आपकी ट्रेड एकदम शॉर्ट शॉर्ट होती। पता है लॉन्ग ट्रेड करने में यही मजा आता है कि एंट्री इतनी अच्छी होती है कि मार्केट चाहे कितना भी कैंडल ग्रीन बना ले या रेड बना ले, मतलब एक हमारी ट्रेड अच्छी होती है, मतलब विन के चांसेस काफी ज्यादा हमारे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो देखो कहीं भी देख लो, कहीं भी देखो, मैं आप लोगों को फिर मैं समझा रहा हूँ, कहीं भी देखो समझो जो चीज मैं बोल रहा हूँ, आपको कितने बीच के अंदर में कब ट्रेड प्लेस करनी है क्या है तो समझ लो। अभी देखो ये एक कैंडल है, एक रेड कैंडल, वीक का मैटर नहीं है यहाँ पर, अगर कैंडल की वीक यहाँ पर ब्रेक करती है तो उसका मैटर नहीं होगा, सिर्फ कैंडल ही ब्रेक करेगा बीच वाली लाइन को। ठीक है, जब यहाँ पर देखो एक रेड कैंडल ने बीच वाली लाइन को ब्रेक करा, तो उसके बाद में आपने यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में, ग्रीन डायरेक्शन में आपने ट्रेड ली, अप डायरेक्शन में आपने ट्रेड ली, और आपकी ट्रेड होगी शॉर्ट शॉर्ट। उसके बाद में एक ट्रेड, मतलब एक ट्रेड शॉर्ट शॉर्ट लगी, उसके बाद में एक रेड कैंडल नीचे की तरफ आए, कुछ भी हो एक्स वाई जेड, आपको कम से कम 5-6 कैंडल के बाद ही ट्रेड नेक्स्ट प्लेस करनी होगी, अदरवाइज आपको ट्रेड बिल्कुल भी प्लेस नहीं करनी है, क्योंकि मार्केट चीजें फॉलो नहीं करेगी, सिर्फ एक बार यहाँ पर चीज को फॉलो करेगी, 6 कैंडल के बीच में एक ही चीज फॉलो होगी, 5 लास्ट। ठीक है, तो ये चीज आपको मैं अभी समझा रहा हूँ और समझ लो। एक ग्रीन देखो रेड कैंडल ने ब्रेक किया नीचे, तो अपोजिट डायरेक्शन ग्रीन डायरेक्शन, आपने 5 मिनट की ट्रेड प्लेस की, हो गई एकदम शॉर्ट शॉर्ट। तो ये तो चीज आपको समझ में आ गई है जो चीज मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ये तो चीज आप लोगों के समझ में आ गई है, अब कैसे आपको करना क्या है क्या नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आता है बीच वाली लाइन का, तो देखो मैंने फंडा आपको समझा दिया कि किस तरीके से ट्रेड प्लेस की जाती है, और टाइम सेट करो 5 मिनट का, आराम से बढ़ जाता है, 5:44 हो रही है तो 45, 40, 47, 48 इस तरीके से यहाँ पर टाइम बढ़ाओ और आराम से ट्रेड प्लेस करो 5 मिनट की। ठीक है, जिससे आपकी एक अच्छी से एंट्री हो पाएगी। ओके, तो बिल्कुल हम चलते हैं, अब हम चलते हैं थोड़ा सा ऊपर वाली लाइन का खेल। ठीक है, अब मैंने बीच वाली लाइन का बताया था, अब मैं बताता हूँ ऊपर वाली लाइन का खेल। ठीक है, ऊपर वाली लाइन कैसे काम करती है, ऊपर वाली लाइन जो काम करती है वो करती है सेम डायरेक्शन पे काम, क्या करती है सेम डायरेक्शन पे काम करती है। आप कभी भी किसी भी चार्ट में देख लो, कहीं भी कुछ भी देख लो, ऊपर वाली लाइन सेम डायरेक्शन में काम करेगी, अदरवाइज कुछ भी काम नहीं करेगी। ओके, एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूँ एक चीज, एक्चुअली कॉल आ रही थी साइलेंट में था फोन मेरा। चलिए ठीक है, तो जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, बीच वाली लाइन का फंडा बता दिया और एंड बता दिया मैंने, अब ऊपर वाली लाइन का मैं बताता हूँ। ठीक है, अब देखो ऊपर वाली लाइन का कैसे काम करेगी, कोई भी कैंडल ऊपर वाली लाइन को, कोई भी कैंडल नीचे से ब्रेक करे, ग्रीन कैंडल नीचे से इस लाइन को टच करे, हल्का सा भी ब्रेक करे, तो आपको सेम डायरेक्शन 5 मिनट की ट्रेड आंख नीच के प्लेस कर देनी है और आपकी ट्रेड शॉर्ट शॉर्ट हो जाएगी। मैं आपको बताता हूँ, बात समझ में आ रही है, यस यारो, बिल्कुल समझ में आएगी आपके जो चीज मैं आपसे बोल रहा हूँ। कोई भी कैंडल नीचे से ऊपर वाली लाइन को, ग्रीन लाइन को नीचे से ब्रेक कर दे, हल्का सा देखो इस तरीके से हल्का सा भी ब्रेक करते, ठीक है ना, तो आपको बिल्कुल सेम डायरेक्शन में जाना है, कोई डायरेक्शन में ही जाना है आपको, आपकी ट्रेड हो जाएगी शॉर्ट शॉर्ट, आंख मीच के ट्रेड प्लेस कर दो, एक नहीं दो नहीं, कहीं 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 कुछ भी देख लो, एक्स वाई और जेड। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, अब यहां ध्यान दो, देखो मेरे माउस के सर्कल पर ध्यान दो, जो चीज मैं आपसे बोल रहा हूँ, ठीक है, इंपोर्टेंट वाली बात है, समझ लो। ठीक है, अब देखो यहाँ देखो कि एक ग्रीन कैंडल ने बीच वाली लाइन को ऊपर वाली लाइन को ब्रेक करा, यस, ऊपर वाली लाइन को ब्रेक करने के बाद में, यस, आपने यहाँ पर सेम डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस की, आपकी ट्रेड होगी शॉर्ट शॉर्ट, बहुत ही गजब का प्रॉफिट देने वाली चीज है मेरे दोस्त, मेरे भाई, प्रॉफिट 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 है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। 5 मिनट की ट्रेड है, पेशेंस से ट्रेड करो, 1 घंटे में भी अगर आपको 5 ट्रेड भी मिल रही है भाई, 5-5% का भी अगर आप रिस्क ले रहे हो, तो भाई 20% तो नॉर्मली बहुत प्यार से गेन हो जाएगा, 10% तो बहुत सिंपल तरीके से गेन हो जाएगा, करना आना चाहिए बस, अगर करना नहीं आता तो भाई नहीं होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, तो हाँ अब आते हैं ऊपर से नीचे की तरफ ब्रेक करे लाइन, क्या करे, इस ऊपर वाले लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, तो कौन सा कैंडल ब्रेक करता है, एक रेड कैंडल ही ब्रेक करता है, कौन सा करता है, एक रेड कैंडल ही ब्रेक करेगा। जब एक रेड कैंडल मार्केट को नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, तो यस आपको सेम डायरेक्शन लेनी है, मतलब एक रेड कैंडल, देखो इस वाले रेड कैंडल को देखो, यहाँ पर देखो इस रेड कैंडल ने नीचे की तरफ इसको ब्रेक करा है, तो आपको बिल्कुल सेम डायरेक्शन में, पुट डायरेक्शन में आपको ट्रेड प्लेस करनी होगी और आपकी ट्रेड हो जाएगी एकदम शॉर्ट शॉर्ट। बात समझ में आ रही है जो चीज मैं बोल रहा हूँ, नीचे से ब्रेक करे, कोई भी कैंडल ग्रीन नीचे से ब्रेक करे, तो आपको सेम डायरेक्शन जाना है, कॉल डायरेक्शन,
ऊपर से रेड कैंडल नीचे की तरफ इस लाइन को ब्रेक करे तो आपको वो डायरेक्शन में जाना है। तो मैंने बताया आपको ऊपर वाली लाइन का और नीचे वाली लाइन का पूरा फंडा समझाया, ठीक है। आप देखो कुछ चीजें हैं उनको आपको विशेष ध्यान रखना होगा, जैसे कि बीच वाली लाइन पर बहुत ज्यादा लेवल बनते हैं, ऊपर वाली लाइन पर इतना लेवल नहीं बनेगा, ठीक है। ऊपर वाली लाइन पे आपको शॉर्ट शॉर्ट रेट ज्यादा से ज्यादा मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा मिलेगी। और मार्टिकल विशेष ध्यान रखना, मार्टिकल लॉस होती है तो मार्टिकल आपको यूज करना है, आपकी हो जाएगी ट्रेड विन, ठीक है। बीच वाली लाइन पर लेवल्स ज्यादा बनते हैं, पैटर्न्स ज्यादा फॉलो होते हैं, क्योंकि और भी मार्केट के अंदर पैटर्न्स है, मार्केट उनको भी फॉलो करेगी। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, कुछ पैटर्न्स हैं, दो तीन पैटर्न्स हैं, और आपको दो तीन पैटर्न्स के बारे में नॉलेज हो जाएगी ना कि यार इन पैटर्न से बचना है, यार इस पैटर्न के अकॉर्डिंग मुझे ट्रेड प्लेस करनी है, तो सच्ची बता रहा हूँ आप बहुत गजब का प्रॉफिट बनाओगे, बहुत गजब का प्रॉफिट बनाते जाओगे। बस आप थोड़ा सा अभी कच्चे हो, उनमें आपको परफेक्ट होना है, और इतना ही। मार्केट हर वीक चेंज होती है, मार्केट में कुछ चीजें न्यू अपडेटिंग होती रहती है, हर चीज मैं आपको बताता रहता हूँ, इसलिए क्योंकि ये बाइनरी ट्रेडिंग है, प्रॉफिट तंगड़ा है मेरे दोस्त। यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट कहाँ है? बाइनरी ट्रेडिंग में। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉफिट के साथ साथ में यहाँ पर क्या है? नॉलेज का खेल, पैटर्न्स का खेल, पैटर्न्स के बेस पर प्रॉफिट बनाया जाता है, ठीक है। तो इतना ही कहूंगा, ये सारी चीजें मैं आपको समझाती है।